हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स यानी कि एमबीओ के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं यानी कि ये क्या होता है। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव इज़ अ मॉडल दैट एम्फसाइज कम्युनिकेशन एंड क्लियरिटी व्हेन डिफाइनिंग द गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव क्या है, ये एक मॉडल होता है जो कि कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन पर डिफाइन होता है। ये कम्युनिकेशन को डिफाइन करता है जिससे कि जो भी हमारे वर्क हैं यानी जो ऑर्गेनाइजेशन के जो भी गोल हैं वो क्या हों, क्लियर हों। दिस मॉडल इज़ बेस्ड ऑन पीटर एफ ड्रकर बुक्स द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट विच वॉज पब्लिश्ड इन 1954। और ये जो मॉडल है वो पीटर एफ ड्रकर की एक बुक आई थी 1954 में जो कि थी द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, उस पर ये टोटली बेस्ड है। इट्स अ मैथड टू इम्प्रूव ट्रांसपेरेंसी एंड इफिशियंसी ओवर द टाइम। यानी कि ये एक ऐसा मैथड है जिससे कि समय के साथ साथ कंपनी की जो भी इफिशियंसी है वो और ज़्यादा अच्छी हो सके या वो बेटर बन सके। नेक्स्ट है मैनेजमेंट बाई ऑब्जेक्टिव, ये होता क्या है इसको देख लेते हैं। मैनेजमेंट बाई ऑब्जेक्टिव इज़ अ प्रोसेस वेयर बाई द सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट मैनेजर ऑफ एंटरप्राइज ज्वाइंटली आइडेंटिफाई इट्स कॉमन गोल्स। यानी कि मैनेजमेंट बाई ऑब्जेक्टिव एक प्रोसेस होता है जहाँ पे सुपीरियर और सबऑर्डिनेट्स यानी कि जो हमारे टॉप लेवल के मैनेजर्स हैं और उनके अंडर जो आने वाले वर्कर्स हैं उनके बीच क्या है, ये ज्वाइंटली आइडेंटिफाई करना है गोल का। यानी कि कंपनी जो गोल डिटरमाइन करती है उसको क्या करेंगे, वो ज्वाइंटली मिलकर के आइडेंटिफाई करेंगे, उस पर वर्क करेंगे। MBO guides the subordinates to fulfill the specified objectives within the given deadline. यानी कि MBO यानी कि मैनेजमेंट बाई ऑब्जेक्टिव क्या करता है, गाइड करता है किसको, सबऑर्डिनेट्स को, टू फुलफिल यानी कि जो भी वर्क उनको दिया गया है, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव जो उनको दिया गया है उसको जो टाइम लिमिट है उसके अंदर उसको कंप्लीट करने के लिए वो उसको क्या करता है, गाइड करता है। इट क्रिटिकली रिव्यूज ऑर्गेनाइजर परफॉर्मेंस ऑन अ रेगुलर बेसिस। साथ ही साथ ऐसा नहीं कि सिर्फ उनको देख के छोड़ दिया जाता है, उसका क्या किया जाता है, रिव्यू भी किया जाता है रेगुलर बेसिस पे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम समझें, जैसे कि मान लेते हैं कि अगर मैं कंपनी की मैनेजर हूँ या फिर मैं किसी बैंक की मैनेजर हूँ, तो एक गिवन डेडलाइन पे जैसे कि मैंने ये कह दिया कि 10 दिन के अंदर 100 खाते खुलने चाहिए, मैंने अपने सबऑर्डिनेट्स को ये ऑर्डर दिया कि 10 दिन के अंदर 100 अकाउंट्स क्या करने हैं, ओपन करवाने हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया, एक डेडलाइन हो गई। डेडलाइन क्या हो गई, 10 दिन के अंदर, और उनको एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव दे दिया गया कि आपको 100 अकाउंट्स क्या करवाने हैं, ओपन करवाने हैं। तो कहीं ना कहीं ये क्या हुआ, MBO हुआ। साथ ही साथ ऐसा नहीं कि मैंने सिर्फ ये टारगेट देके छोड़ दिया, उसको क्या किया मैंने, रेगुलर बेसिस पे उसको परफॉर्मेंस जो भी वो कर रहे हैं उसको क्या करना है, मॉनिटर करना है। मॉनिटर क्यों करना है, अगर मॉनिटर नहीं किया तो हो सकता है जो वर्क हो वो सही हो रहा हो ना हो रहा हो, या फिर जो भी ऑब्जेक्टिव दिया गया है वो कंप्लीट हो या ना हो, तो उसको चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा, उसको मॉनिटर भी करते रहना होगा। तो यही काम हमारा MBO में होता है। यानी कि MBO में क्या होता है, जो भी सुपीरियर होते हैं वो क्या करते हैं, अपने सब ऑर्डिनेट्स को जो भी गोल होता है उसको डिफाइन करते हैं और उसको एक टाइमलाइन देते हैं कि आपको इस समय के अंदर उसको क्या करना है, कंप्लीट करना है, और वो कंप्लीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं उसके लिए वो क्रिटिकली उसका रिव्यू भी लेते रहते हैं। नेक्स्ट है डिफिनेशन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू कुट्स एंड वर्जन के अनुसार, मैनेजमेंट बाई ऑब्जेक्टिव इज अ कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजरियल सिस्टम दैट इंटीग्रेट्स मेनी की मैनेजरियल एक्टिविटीज़ इन अ सिस्टमैटिक मैनर एंड इट कंसिस्टेंटली डायरेक्टेड टूवर्ड्स इफेक्टिव एफिशिएंट अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स। यानी कि मैनेजमेंट बाई ऑब्जेक्टिव क्या है, ये कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट सिस्टम है ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल के गोल्स को फुलफिल करने के लिए कंप्लीट होते हैं या फिर ज़रूरी होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ डज मैनेजमेंट बाई ऑब्जेक्टिव वर्क, यानी कि मैनेजमेंट बाई ऑब्जेक्टिव कैसे वर्क करता है। MBO इज़ अ फुल स्केल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी, यानी कि ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी है। इट इन्वॉल्व्स पीपल फ्रॉम टॉप टू बॉटम ऑफ द प्रोडक्टिव चेन, और इसमें टॉप से लेके बॉटम तक की चेन होती है, यानी कि इसमें सारे लोग उससे जुड़े होते हैं। एट फर्स्ट द मैनेजर्स आइडेंटिफाइन द मैनेजर मेन गोल्स ऑफ द कंपनी, यानी कि जो मैनेजर्स होता है वो सबसे पहले क्या करता है, कंपनी का जो भी गोल होता है उसको डिसाइड करता है। नेक्स्ट दे सेटअप स्ट्रेटजीज टू कम्युनिकेट कंपनी गोल्स टू द स्टाफ, उसके बाद वो क्या करेगा, कम्युनिकेट करेगा किससे, कंपनी के स्टाफ से, जिससे कि वो स्ट्रेटजी बनाएंगे और उस पर क्या करेंगे, साथ में वर्क करेंगे। द सोल कॉन्सेप्ट बिहाइंड द मैनेजमेंट मॉडल इज क्लियरिटी। When employees have clarity about the goal, they are more efficient at meeting them. The goals are hard but realistic. साथ ही साथ क्या होगा, जो हमारा सोल कॉन्सेप्ट होता है इसके पीछे वो क्या होता है, क्लियरिटी होती है। यानी कि अगर जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको ये क्लियर होगा कि हमारा गोल क्या है, तो वो और ज़्यादा एफिशिएंट वर्क करेंगे उस पर, और जो हमारा गोल है वो बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। हार्ड तो होगा लेकिन वो क्या हो जाएगा, काम करते करते उसको समझते हुए वो क्या हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा। ऑल ऑब्जेक्टिव्स आर क्वांटिफाइड एंड
मोनिटाइज टू इंश्योर दैट द स्ट्रेटजीज आर वर्किंग. साथ ही साथ उसका क्या होगा, मॉनिटरिंग भी होगा, जिससे कि जो हमारा वर्क है, जो स्ट्रेटजिक है, वो अच्छे से इंप्लीमेंट हो सके. एंड द एंड द एम्प्लॉय रिसीव फीडबैक बेस्ड ऑन दियर परफॉर्मेंस. साथ ही साथ जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको क्या मिलेगा, फीडबैक मिलेगा जैसे वो वर्क कर रहे हैं उस, जैसे कि जो भी उनकी कमी होगी या जो भी अच्छाई होगी उसको वो और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकेंगे. ओवर द टाइम ऑर्गेनाइजेशन फाइन ट्यून दीज गोल्स एंड इंक्रीज ओवरऑल प्रोडक्टिविटी. साथ ही साथ अगर ये सब अच्छा होता है तो कहीं ना कहीं जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है वो ओवरऑल क्या करेगा, ग्रो करेगा, और जो उसकी प्रोडक्टिविटी है वो और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी. मैनेजमेंट बाई ऑब्जेक्टिव प्रोसेस. अब इसका प्रोसेस देखते हैं, यानी कि ये होता कैसे है. द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस प्रोसेस कंप्राइजेज द फॉलोइंग स्टेप, यानी कि ये 5 स्टेप्स में कंप्लीट होता है एमबीओ जो होता है. फर्स्ट स्टेप होता है हमारा डिफाइनिंग गोल, यानी कि हमें सबसे पहले गोल्स को डिफाइन करना होता है. सेकेंड है डिफाइनिंग स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, फिर हम इसको स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करते हैं. देन मॉनिटर प्रोसेस, फिर उसके बाद मॉनिटर करते हैं प्रोसेस को. देन इवेल्युएटिंग परफॉर्मेंस, और जो भी हमने वर्क किया है उसको क्या करते हैं, इवेल्युएट करते हैं 4th स्टेप पे. एंड देन फीडबैक, और इवेल्युएशन करने के बाद हम क्या करते हैं, फीडबैक देते हैं. ये हमारा क्या होता है, 5 स्टेज होता है. चलिए इसको और ज़्यादा अच्छे से डिस्कस करते हैं. एमबीओ का फर्स्ट स्टेप क्या होता है, डिफाइनिंग द गोल. गोल यानी कि पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे, गोल्स को अपने डिफाइन करेंगे. द कंपनी नीड्स डिटरमाइन और रिवाइज द करेंट गोल्स of the organization. These goals are derived from the mission of the company. This is already defined in the most cases except startups. यानी कि सबसे पहले कंपनी को क्या करना होता है, अपने गोल को डिफाइन करना होता है. ये जो करेंट गोल है उसको क्या करना होता है, रिवाइज करना होता है. इससे क्या होगा कि हमारे डिफाइंड जब गोल्स हो जाते हैं तो हमें उसे पाने में, उसको अचीव करने में और ज़्यादा ईजी हो जाता है. दीज गोल्स आर डिराइव फ्रॉम द मिशन ऑफ द कंपनी. ज़्यादातर ये कंपनी में पहले से डिफाइन होते हैं. इन द केस अगर कोई स्टार्टअप है तो उसमें मोस्टली डिफाइन नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी किसी भी कंपनी को स्टार्ट करने से पहले या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करने से पहले जो भी हमारा फर्स्ट वर्क होता है वो क्या होता है, डिफाइनिंग द गोल. यानी कि सबसे पहले हम गोल को डिफाइन करते हैं. सेकंड स्टेप पे आते हैं. सेकंड स्टेप क्या होता है, डिफाइनिंग स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव. दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप टू द मैनेजमेंट बाई ऑब्जेक्टिव मैथड. एज सून एज गोल्स आर सेट द कंपनी शुड डिटरमाइन हाउ टू रीच दैम. दिस एनालिसिस विल लिस्ट आउट द ऑब्जेक्टिव्स. द एम्प्लॉयज़ विल हैव स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव डिपेंडिंग ऑन दियर पोजिशन. नेक्स्ट क्या होता है, जब हमारा गोल डिसाइड हो जाता है तो उसके बाद हमें उसे पाना होता है. यानी कि उसको पाने के लिए हमें एक रास्ते पर चलना होता है कि उस पर हम चलेंगे कैसे या उस गोल को हम कैसे अचीव करेंगे. तो उसमें हम क्या करना होता है, जो भी एम्प्लॉयज़ वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, उस गोल को अचीव करने के लिए ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, यानी कि एक स्ट्रेटजी बनाते हैं जिस पर कि वर्क करके उस गोल को अचीव कर सकें. तो उसमें क्या होता है, एनालिसिस होती है, जो भी हमारे वर्क होते हैं उस पर एनालिसिस करते हैं कि जो हमारा गोल है उस पर हम कैसे पहुँच पाएंगे. जो भी हमारी पोजीशन होती है उसको देखते हैं और हमें कहाँ जाना है उसको डिटरमाइन करते हैं, और उसके बिहाफ पे फिर हम क्या करते हैं, जो भी ऑब्जेक्टिव होता है उसको सेट करते हैं. नेक्स्ट थर्ड लेवल पे आते हैं, मॉनिटरिंग द प्रोसेस. जब हमारे गोल्स सेट हो गए उसके बाद हमने स्ट्रेटजी बना ली कि उसको कैसे प्लान करना है, देन हम उसको मॉनिटर करेंगे. यानी कि द प्रोसेस शुड बी मॉनिटर एट ऑल टाइम्स एज रिजल्ट विल डिटरमाइन द फ्यूचर प्लान्स. इट ऑल्सो प्रिवेंट्स द मैनेजमेंट फ्रॉम लॉसिंग ट्रैक ऑफ प्रोग्रेस. बाई डूइंग सो ऑर्गेनाइजेशन कैन अवॉइड फेलियर्स बाई स्टॉपिंग फ्लोज इन द प्रोसेस अर्ली ऑन. यानी कि अगर हम मॉनिटर नहीं करते हैं जो भी हम वर्क कर रहे हैं तो हो सकता है कि जो हम गोल अचीव किए हैं उससे वो भटक जाए, या फिर जो हमारा स्पेसिफिक वाई ऑब्जेक्ट है या जो ऑब्जेक्टिविटी हमने डिसाइड किया है वो ना हो, तो उसको मॉनिटर करना भी ज़रूरी है, जिससे कि जो हमारी फेलियर है ऑर्गेनाइजेशन के उसके चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो. नेक्स्ट क्या है, इवेल्युएटिंग द परफॉर्मेंस. जो भी हमने वर्क किया उसको परफॉर्म किया है उसको एवेल्युएट करना. इट एसेंशियल टू यूज सॉलिड मैट्रिक्स टू एवेल्युएट द परफॉर्मेंस. फर्म शुड बी फोकस्ड ऑन द की परफॉर्मेंस मैट्रिक यूज फ्रॉम द बिगनिंग. साथ ही साथ जो भी वर्क है उसको स्टार्टिंग लेवल पे ही, जो भी वर्क हुआ है, जो भी परफॉर्मेंस हुआ है उसको एवेल्युएट करना भी ज़रूरी है. फर्म शुड डिफाइन बाउंड्रीज फॉर वॉट इज़ एक्सेप्टेबल, वॉट इज़ सक्सेसफुल एंड वॉट कुड बी अंडर फेलियर. यानी कि जो फर्म होती है वो पहले ही डिफाइन कर देती है कि उसकी क्या क्या बाउंड्रीज हैं, यानी कि क्या जो है वो सक्सेसफुल के लिए ज़रूरी है सक्सेस होने के लिए, और क्या हमारा फेलियर के अंतर्गत आएगा. सक्सेस शुड बी रिवॉर्डेड एंड फेलियर नीड बी टू एड्रेस. साथ ही साथ ये भी रहता है कि जो हमारा सक्सेस है वो कहीं ना कहीं रिवॉर्ड होता है, और फेलियर जो होता है उसको भी एड्रेस किया जाता है. यानी कि हम ऐसी कोशिश की जाती है कि दोबारा से फिर फेलियर्स ना हो. लास्ट स्टेप है फीडबैक. फीडबैक यानी कि जो भी वर्क एम्प्लॉयज किए हैं उसके बिहाफ पे उनको क्या करेंगे, रिमार्क्स देंगे कि उन्होंने कैसा वर्क किया. ऑल एम्प्लॉयज मस्ट गेट अ क्लियर रिस्पॉन्स ऑन देयर परफॉर्मेंस. इफ़ दे डू वेल दे शुड बी रिवॉर्डेड. यानी कि जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको काम करने के बाद हम क्या करते हैं, एक क्लियर रिस्पॉन्स देखते हैं कि आपका ये वर्क कैसा हुआ है. अगर वो अच्छा काम करते हैं तो उनको रिवॉर्ड भी मिलता है, और अगर अच्छा नहीं करते हैं तो उनको पनिश भी किया जाता है. दिस मोटिवेट्स देम टू कीप अप द गुड वर्क.
Employees who did not achieve the goals, however, need to figure out the flaws in their process. They need to come up with a strategy to come over the flaws and improve. यानी कि जो work उन्होंने किया है उस पर क्या होता है, कभी कभी वो गोल को अचीव कर पाते हैं, कभी नहीं कर पाते हैं. तो ये बहुत ज़्यादा इशू का मैटर नहीं होता है, क्योंकि एम्प्लॉयज़ को हम क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि वो और अच्छा वर्क कर सकें, जो भी उनकी कमियां हैं उसको फिगर आउट करें और उसको फिर दूर करें, जैसे कि उनका जो वर्क मिला है वो नेक्स्ट लेवल पे, यानी जब भी उनको दोबारा मिले तो उसको वो और अच्छे से कर पाएँ. तो फीडबैक में यही होता है कि जो भी वर्क एम्प्लॉयज़ करते हैं उसके बिहाफ पे उनको क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं, और उनको क्या कर साथ में जो भी उनका वर्क होता है उसके बिहाफ पे उनको हम रिमार्क देते हैं या फिर कॉम्प्लीमेंट देते हैं. नेक्स्ट है एमबीओ के एग्जांपल, इसके एग्जांपल देखते हैं. मार्केटिंग एमबीओ के एग्जांपल, जैसे कि मार्केटिंग ऑपरेशन, मार्केटिंग डिपार्टमेंट कैन बी एज फॉलोज, इंश्योर और 33% ग्रोथ इन अ सोशल मीडिया लाइक्स एंड शेयर्स. नेक्स्ट है इंक्रीज रेगुलर वेबसाइट विजिटर्स बाई 25% पर वीक. नेक्स्ट ऑल एम्प्लॉयज वुड बी फोकस्ड ऑन द दीज थ्री पॉइंट्स. फॉर इंस्टेंस दोज फोकस्ड ऑन टेक्नोलॉजी वुड बी हैंडल ऑटोमेन वाइल द बिजनेस टीम वुड वर्क विद द इन्वेस्टर टू इंश्योरिंग द फंडिंग. यानी कि हमारा जो गोल होता है वो क्या होता है मार्केटिंग में, कि हम कोई भी गिवन रेट की वजह से उसको क्या करें, मार्केटिंग में और ज़्यादा बढ़ाएं, यानी कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसको और ज़्यादा सेल हो. जैसे कि जो भी हमारी कंपनी का टारगेट है वो तो डिफाइन हो गया कि हमें क्या करना है, जैसे कि जो भी हमारा फोकस है, जो भी एम्प्लॉयज़ का फोकस है वो किस पे जाए, गोल्स पे जाए, जिसको कि हमको अचीव करना है. इससे क्या होगा कि हमारी कंपनी में इन्वेस्टिंग भी बढ़ जाएगी, जिससे हमारा फंड भी रेज होगा. नेक्स्ट है द फाइनेंशियल डिपार्टमेंट वर्क्स टू रेज मिलियंस इन फंडिंग, इंक्रीज फाइनेंशियल ऑटोमेशन बाई 10% एंड द शेयर होल्डर प्रॉफिट बाई 3%. आफ्टर डिबेटिंग दीज गोल्स विद द हेड्स ऑफ द डिपार्टमेंट, डिसाइडिंग टू वर्क टॉक विद द एम्प्लॉयज़ टू सेट देयर ऑब्जेक्टिव्स. यानी कि इसमें क्या होता है, एक एग्जांपल के तौर पे इसको हम समझ सकते हैं कि जैसे कि हमारा गोल है वो अचीव हो गया है कि अगर हम अच्छा वर्क करते हैं तो कहीं ना कहीं जो हमारा प्रॉफिट है शेयर होल्डर्स का वो 3% बढ़ जाएगा, जो फाइनेंशियल कैपिटल है वो हमारा 10% बढ़ जाएगा, या कोई भी डिफाइनिंग हो सकता है कि इतने परसेंट बढ़ जाएगा. तो अगर हम ये डिस्कस करते हैं, जिससे डिस्कस करते हैं अपने डिपार्टमेंट करते हैं, साथ ही अपने एम्प्लॉय से डिस्कस करते हैं, तो वो क्या होता है, एक ऑब्जेक्टिव सेट हो जाता है, जिससे कि हमारा जो वर्क है वो और ज़्यादा ईजी हो जाता है. क्यों ईजी हो जाता है, इसलिए ईजी हो जाता है क्योंकि हमारे जो वर्कर्स हैं उनको ये पता होगा कि हमें क्या वर्क करना है, ये हमारा जो ऑब्जेक्टिव वो क्या है, तो वो उसके बिहाफ पे वो उसको और अच्छे से जो भी उनकी स्ट्रेंथ है फुल स्ट्रेंथ के साथ वो उस वर्क को कवर करते हैं. अब बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ एमबीओ, यानी कि एमबीओ के बेनिफिट्स क्या क्या हैं, इसके फ़ायदे क्या क्या हैं. तो बेटर कम्युनिकेशन बिटवीन कंपनी लीडरशिप एंड टीम मेंबर्स ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी टू द गोल सेटिंग प्रोसेस. यानी कि बेटर कम्युनिकेशन क्या करेगा, एक कंपनी के लीडरशिप में और जो उसकी कंपनी मेंबर्स हैं यानी जो टीम मेंबर्स हैं उनके बीच कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन क्लियरिटी होगी, जिससे कि उनके बीच ट्रांसपेरेंसी बनी होगी, जो कि उनके गोल को अचीव करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा. यानी कि एमबीओ का फर्स्ट जो बेनिफिट होगा वो ये होगा कि एक अच्छे ट्रांसपेरेंसी सिस्टम बना होगा कंपनी और जो उसके टीम मेंबर्स हैं उनके बीच में. नेक्स्ट है एम्प्लॉयज़ हैव अ हायर मोटिवेशन टू गिव दियर बेस्ट एफर्ट टू अचीव द स्टेट गोल्स एज दे वुड मैच दियर स्किल्स एंड स्ट्रेटजीज. साथ ही साथ जो एम्प्लॉयज़ हैं वो हाईली मोटिवेटेड होंगे, जिससे कि जो उनका एफर्ट है वो अपना बेस्ट एफर्ट दे पाएंगे, जिससे कि जो भी कंपनी के गोल है वो जल्दी से अचीव हो सके. क्योंकि अगर उन्हें गोल पता होगा कि हमें कैसे वर्क करना है, कहाँ वर्क करना है, उनको फीडबैक भी मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं जो उनकी स्किल्स है या जो स्ट्रेंथ है वो हाईली एग्जीक्यूटेड होगी, या वो बहुत ज़्यादा अच्छे से वर्क कर पाएंगे. नेक्स्ट है एम्प्लॉयज़ फील्स अ सेंस ऑफ लॉयल्टी टुवर्ड्स एंटरप्राइजेस एज दियर द गोल्स हैव बीन टेलरेट एज पर दियर कैपेबिलिटी. और कहीं ना कहीं जो एम्प्लॉय है वो बहुत ज़्यादा लॉयल्टी फील करेंगे इंटरप्राइज के साथ, बहुत ज़्यादा कनेक्टिव फील करेंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि हाँ हमारा भी इसमें कुछ वर्क है, या हमसे भी जो कंपनी के स्ट्रेटजीज हैं वो डिस्कस किए जा रहे हैं. नेक्स्ट है स्पेसिफिक एमबीओज डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफर क्लियरिटी टू टीम मेंबर्स रिगार्डिंग द पाथ ऑफ सक्सेस. और एमबीओ में क्या होता है, ये क्लियरिटी होती है कि जो भी वर्क है उसको किस मैनर में करना है, तो कहीं ना कहीं ये जो सक्सेस का पाथ है उसको क्लियर कर देता है. नेक्स्ट है डिसएडवांटेज ऑफ एमबीओ, इसके डिसएडवांटेज क्या है, इसके डिसएडवांटेज फर्स्ट इसका डिसएडवांटेज है समटाइम्स एम्प्लॉयज कैन इंटरप्ट दैट देयर ओनली टारगेट इज टू मीट द स्टैंड गोल्स, दिस कैन रिजल्ट इन टेकिंग शॉर्टकट्स विच कंप्राइजेज द क्वालिटी ऑफ वर्क. कहीं ना कहीं क्या होता है कि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको पता होता है कि हमें क्या करना है, सिर्फ गोल को अचीव करना है, तो उस गोल को अचीव करने के लिए जो वर्क उन्हें मिला है सिर्फ उसको करने के लिए वो कहीं ना कहीं शॉर्टकट अपनाते हैं. और उस शॉर्टकट से क्या होता है कि जो उनकी वर्क होती है वो कहीं ना कहीं उसकी जो क्वालिटी होती है उसमें कमी आ जाती है. तो एमबीओ का एक डिसएडवांटेज ये भी हो सकता है कि जो क्वालिटी ऑफ वर्क है वो क्या हो जाए, पुअर हो जाए. नेक्स्ट है एम्प्लॉयज़ आर अंडर स्ट्रेस टू पुश देमसेल्व्स टू लिमिट टू अचीव गोल्स विद इन अ
गिवन टाइम फ्रेम, यानी कि इसमें क्या होता है, एमबीओ में एक टाइम या डेडलाइन दिया जाता है कि आपको गिवन टाइम के अंदर ही वर्क को कंप्लीट करना है। तो इससे क्या होता है कि कभी कभी एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो स्ट्रेस में आ जाते हैं कि मैं इस टाइम लिमिट के अंदर वर्क को कंप्लीट कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। हो सकता है उस टाइम लिमिट के अंदर वर्क करने के लिए वो बहुत ज़्यादा वर्क करें या स्ट्रेस में वर्क करें, जिससे कि उनका जो क्वालिटी है वर्क की वो कम हो जाए या वो अच्छी ना हो। तो इससे क्या होता है कि ये भी हमारे लिए एमबीओ का एक ड्रॉबैक हो जाता है। नेक्स्ट है, मैनेजमेंट कैन गेट टू फोकस्ड ऑन वर्किंग पर एमबीओ ऑपरेशन दैट आर नॉट कवर्ड अंडर एमबीओ कैन बी लेफ्ट बिहाइंड। इसमें क्या होता है कि एमबीओ में जो हमारा मेन फोकस होता है वो तो हमारा ऑपरेशंस पे होता है, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव डिफाइन है उस पे होता है, लेकिन इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो छूट जाती हैं, यानी कि जो एमबीओ के बिहाइंड होती हैं, जिस पर हम ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो इसमें हमारा जो मेन फोकस रह जाता है वो केवल गोल के अचीवमेंट पे हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये भी एमबीओ का एक ड्रॉबैक बन जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, यानी कि कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं, कुछ बुराइयाँ भी होती हैं। इसी तरह हमारे एमबीओ यानी कि मैनेजमेंट बाई ऑब्जेक्टिव के कुछ प्रोज हैं तो कुछ कॉन्स हैं। यहाँ पे हमारे ये टॉपिक मैनेजमेंट बाई ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।